गौतम अडानी ने इतिहास रच दिया है। साल 2020 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सोलर डील के जरिए देखिए अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र को 6600 मेगावाट बिजली देने की बड़ी डील अपने नाम कर ली है। अडानी ग्रुप इस बिजली को सोलर और पावर से मिलाकर देगा। वहीं आपको बता दें कि अडानी ग्रुप 4.08 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देगा। इसके लिए JSW एनर्जी और टोरेंट पावर भी दौड़ में थी, लेकिन अडानी ग्रुप ने सबसे कम बोली लगाकर बाजी अपने हाथ ली। अडानी ग्रुप ने बताया कि 5 गीगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता का टेंडर साल 2020 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ठेका है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल के लिए रिन्यूएबल और थर्मल पावर दोनों की सप्लाई के लिए अडानी ग्रुप की बोली महाराष्ट्र की ओर से फिलहाल खरीदी जा रही बिजली के दर पे 1 रुपए यूनिट कम है। आपको बता दें कि बोली शर्तों के अनुसार अडानी पावर पूरी सप्लाई ड्यूरेशन के दौरान सोलर पावर की सप्लाई 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर पर करेगी। इस डील को जीतने के लिए अडानी ग्रुप ने 4.08 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाई। वहीं दूसरी ओर सबसे कम बोली 4036 रुपए प्रति यूनिट JSW एनर्जी की थी। ये महाराष्ट्र में पिछले साल खरीदी गई औसत बिजली कीमत 4.70 रुपए प्रति यूनिट से कम है। देश के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोडक्टिव कंपनी अडानी पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी 17 गीगावाट से ज्यादा है, जो साल 2030 तक बढ़कर 31 गीगावाट हो जाएगी। इसकी सहयोगी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 11 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिसकी साल 2030 तक कैपेसिटी बढ़कर 50 गीगावाट करने का लक्ष्य है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।